फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट घोटाला। विरोध कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, 12 छात्रों की हुई मौत। आज की ब्रेकिंग न्यूज है फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थियों के साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं वो अपनी हक की लड़ाई मांग रहे हैं। कोई इसमें जो है कुछ मांग नहीं रहे, वो चाहते हैं कि उनको उनका हक की लड़ाई दी जाए और उनका हक उन्हें दिया जाए। लेकिन जो छात्र हैं वहाँ पर, जो विद्यार्थी जो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे और उन्होंने धरना भी दिया था, उन छात्रों को जो है पुलिस ने जो है उन पर लाठी चार्ज कर दी, जिसमें 12 करीब छात्रों की मौत भी हो चुकी है। मैं आपको पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, उसमें आपको जो विद्यार्थी जो है, जो छात्र घायल हुआ है और वो आप साफ साफ वहाँ पर बोल रहा है, और वहाँ पर साफ साफ ये बताया गया है कि 12 छात्रों की मौत हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर पूरी आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर घोटाले को कहना चाहूँगा, जो रेलवे में जो छात्र चाहते हैं उस चीज़ को जो है किया जाना चाहिए, क्योंकि छात्रों के लिए ही यहाँ पर, क्योंकि आगे भविष्य में जो छात्र हैं वही जो है आज के टाइम के अधिकारी जो भी होंगे, कर्मचारी बनने वाले हैं, क्योंकि उनको उनका चीज़ का हक मिलना चाहिए, जिससे वो अच्छे से अपना काम भी कर सकें। मैं आपको पूरी वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। आपसे ना ही ये कहना चाह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ना ही ये कह रहा हूँ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अगर आपका मन हो तो कीजिएगा, नहीं मन है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत दुख भरी स्टोरी और बहुत दुख लगता है ऐसा वीडियो सुनकर। मुझे उम्मीद है आपको भी दुख लगा होगा इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तब। तो चलिएगा फ्रेंड्स, मैं इस पूरी वीडियो क्लिप को आपको सुना देता हूँ। उन लोगों ने सर में भी मारा सर, हम हमारे आग की लड़ाई मांग रहे सर, कुछ नहीं मांग रहे, हम शांतता से आंदोलन कर रहे थे, सभ्यता से आंदोलन कर रहे थे। उन लोगों ने मेरे सर पे भी मारा सर, सर पे मारा, लाठी चार्ज किया, पूरा लाठी चार्ज किया, सर फोड़ दिया, सर फोड़ दिया सर। हम आज सब मरने के लिए आए सर, एक तो हमको नौकरी दो या मौत दो, दो ही ऑप्शन है हमारे पास। बहुत दिन हो गए, 4 साल से बेरोजगार सर, बच्चे के ऊपर बीच के ऊपर सर पड़ चुका है, अंदरूनी चोट लगी है, इसका जिम्मेदार कौन? 8 से 12 लड़के मर चुके हमारे। हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी तत्काल और जल्दी भर्ती की जाए। तो जैसा कि अभी आप फ्रेंड्स, इन्होंने आपने अभी जो मैंने आपको वीडियो क्लिप दिखाई, उस वीडियो में आपने देखा होगा कि जो छात्र है वो घायल भी हुआ है। उसने साफ साफ बोला है कि मुझ पर लाठी चार्ज की गई है, और जो वहाँ पर कुछ लोग हैं छात्र, उन्होंने धरना जो दिया था, उन्होंने साफ साफ बोला है कि यहाँ पर जो है 8 से 12 विद्यार्थियों की जो है मौत हो चुकी है। तो यहाँ पर पूरी आपको मैं कहना चाहूँगा कि इस चीज़ पर जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई, आपकी क्या राय है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पर जो भी अपडेट है वो आप, मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, तो जो भी है यहाँ पर, लेकिन जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है छात्रों के साथ। यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पुलिस लाठी चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उनको समझा सकते थे इस चीज़ को। क्योंकि यहाँ पर रेलवे में जो छात्र हैं, ठीक है, उन्होंने बोला है काफ़ी टाइम से बेरोजगार हैं, और वो वहाँ पर धरना दे रहे थे कि हमारा रिजल्ट जो है द्वारा से एग्ज़ाम करवाया जाए। ठीक है, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं बहुत ही गलत माना जा सकता है, क्योंकि लाठी चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो भी एक भविष्य में आने वाले कहीं ना कहीं कर्मचारी होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए। छात्रों के साथ जो भी हुआ है वो अन्याय हुआ है। इस चीज़ को मैं आज खुलकर बोल लूँगा कि जो भी हुआ है अन्याय हुआ है। आप इस चीज़ को जो है कैसा आप मतलब कहना चाहेंगे क्या, वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।